और टिप्स में बताता हूँ माल कैसे बेचा जाता है, कैसे मार्केट में माल बेचा जाता है। एक कपड़ा मार्केट है दोस्तों, कपड़ा मार्केट में सेम लगभग कपड़े की दुकान है, और होली की सीजन होती है। होली की सीजन में एक पीलिया की साड़ी आती है, वो साड़ी उसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है और बहुत ज्यादा बिकता है, करोड़ों में सेल होता है उस समय। लेकिन उसमें कोई व्यापारी नहीं कमा सकता, क्योंकि उसमें 5 रुपए 2 रुपए ऐसा मार्जिन होता है, तो व्यापारी बिल्कुल कमा नहीं सकते। रिटेलर बेचारे बहुत दुखी हो जाते हैं, वो जो भाव आ रहा है उसी रेट में देना पड़ता है उन्हें, ऐसा हो क्योंकि लोगों को मालूम पड़ गया। उसमें एक एक बिजनेसमैन ऐसा है उसी मार्केट में, उसने क्या किया, उसने तरीका अपने है कि अब मैं इस साड़ी पे मुझे कमाना है। उसने साड़ी पे ऑन पे 100 रुपए और एक्स्ट्रा रखा। उस साड़ी को क्या किया, एक पन्नी में अच्छे से सजा के लगाया, और पन्नी के उसके बाद बॉक्स लाया साड़ी का, साड़ी के ऊपर बॉक्स, यानी उस बॉक्स में उस साड़ी को रखी। हर एक कोई खुला साड़ी बेच रहा था, उसने पन्नी पन्नी के ऊपर बॉक्स में पैक किया और बड़ा सजावट के गिफ्ट टाइप रखा। कस्टमर को बोला कि देखो ये दूसरी साड़ी, दूसरे जो पीलिया साड़ी थी वो प्लेन ऐसी रखी हुई। उसने बोला कि एक थोड़ी स्टैंडर्ड है, बड़े लोग लेते हैं, क्या आप वो खरीद सकते हो क्या, कस्टमर को बोला। कस्टमर ने बोला कि हाँ क्यों नहीं खरीदेंगे, हम भी खरीदेंगे ना, बताओ ना आप एक बार। तो कि वो मैडम वो बॉक्स वाली है, बॉक्स में स्पेशल हाईटेक साड़ी है, बड़े लोग लेते हैं। नहीं नहीं बताओ वो साड़ी। फिर उसने बताया खोल के कि देखो ये थोड़ी अच्छी है, स्टैंडर्ड लोग लेते हैं, ये ले लो आप, ये हाई लेवल साड़ी है। तो कस्टमर ने आप बिलीव नहीं करोगे पूरा पेमेंट दिया पर साड़ी पे, उसने 100 रुपये कमाया। ये भी एक टिप्स होती है सेल्स को बढ़ाने के, बिजनेस को बढ़ाने और पैसा कमाने के टिप्स है। तो ऐसे ऐसी टिप्स के लिए आपको मेरा चैनल फॉलो करना चाहिए, मेरे पेज को, और मेरे चैनल सांसराज बोराना यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि आपको नए अपडेट ऐसे मिलते रहेंगे और आप अपने बिजनेस को, अपने लेवल को यहाँ है उसको और यहाँ ला सकते हो आप।